नमस्कार, आप देख रहे हैं एनयू न्यूज़ और खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के थाना फतेहगंज पूर्वी की, जहां पर व्यक्ति का आरोप है कि उसको रास्ते में रोककर कुछ दबंगों ने, गांव के ही लोगों ने उसके साथ की मारपीट और उसको कर दिया गंभीर रूप से घायल। आइए दिखाते हैं आपको ये खबर बरेली के थाना फतेहगंज पूर्वी से। क्या नाम है आपका? कप्तान सिंह। कहाँ रहते हो? करतौली थाना फतेहगंज। फतेहगंज कौन सा फतेहगंज? पूर्वी फतेहगंज। पूरी फतेहगंज। तो क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ साहब में गन्ना भरने गए, तो वहाँ से लौट के आ रहे थे, तो उनने हमें रास्ता में पकड़ लिया। किसने? राम लखन अवदेश और अजीत। ये कहाँ रहते हैं? जी हमारे पास में रहते हैं साहब। कौन से गांव में? करतौली में। करतौली में। तो इन्होंने क्यों पकड़ा आपको? इन्होंने पकड़ा है, लड़की इनकी चुप्पा से हमारे घर पे दुख रही है सुबह। लड़का हमारा चला गया खेत में, इनने साहब पुलिस बुला के और अपने आप घुस के घर में लड़की और हम पे इंजाम झूठा लगाया। लड़की कहाँ, लड़की किसकी है? लड़की राम लखन की। वो क्यों आके बैठ गई आपके पास घर में? उसकी मम्मी ने मारा शाम को लिए, तो उसे डर के मारे बैठ गई साहब। अच्छा। उसने बयान करें तो उसको रंजिश मानते हुए आप पर हमला किया? हम पे हमला कई बार कर चुके हैं साहब। तो हमला आप काय से कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे साहब बुग्गी लेने आए रहे थे, गन्ना भरा जा रहा था। कहाँ पे हमला किया? हाँ हमला किया जो पछाई और मंदिर के पास में। मंदिर के पास में वहाँ पे दरगाह चल लिया था। अच्छा, तो काय से हमला किया उन्होंने? उनने मान लो तमंचा था, मान लो राम लखन पे, अवदेश पे मान लो बांका था, और ये क्या नाम उनका अजीत पे मान लो वो भाला था बल्लम। अच्छा, तो इन लोगों ने आप पे इन चीजों से हमला किया। हाँ। चोटें कहाँ पे आई आपके? चोट मारे, एक उंगली टूट गई है। दिखाओ जरा, तीनों ये हाथ में चोट आई है। हाँ। उंगली टूट गई। उंगली टूट गई, हड्डी। और कहाँ, और कहाँ चोट आई है? और जो जरा और पैर में आई है। पैर में आई है, करियाओं में बहुत चोट है। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने पुलिस में सूचना करी? थाने में? हाँ, 100 नंबर बुलाई साहब। थाने गए आप? हाँ थाने गए थे। थाने में क्या हुआ? थाने में उनने कई बैठा लिया, बैठा के कई क्या हुआ, हमने कई साहब ने हमारे हाथ पैर तोड़ दे और पैर हाथ तोड़ दिया, तो उनने खाली लिख के और लिखने के बाद में मुझे कुछ नहीं दिया और कहीं जाओ मेडिकल हुआ, मेडिकल कराने के लिए कागज दिया और हम चले। रिपोर्ट दर्ज हुई आपकी? रिपोर्ट दर्ज अभी हमें पता नहीं साहब, कुछ कुछ बताया नहीं उनने? हमें कुछ नहीं बताया। अच्छा, थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। आरोप पुलिस आई गांव में? पुलिस आई थी तो मेरे से कोई बात नहीं पूछी थी। आपसे कोई पूछी नहीं? नहीं, पुलिस आई थी। कितनी बार आई गांव में? करीब एक ही बार आई थी। एक बार आई। तो जब जो जिन्होंने मारा वो खुलेआम घूम रहे हैं? हाँ खुलेआम साहब घूम रहे, सामने दुकान में रहे, उनकी सामने दुकान है, वो सामने रोज बैठते हैं। दुकान काहे की है? परचून की। अच्छा, तो वो आपको क्या, उनसे क्या है आपको, मतलब खतरा है क्या? खतरा है, मुझे मारने का धमकी दे रहे कि तुझे मार देंगे, तेरा लौंडा आएगा तो मार देंगे साले। अच्छा, जान का खतरा है? पूरा पूरा खतरा है। क्या चाहते हो? हम देख चाहते साहब पुलिस हमारी सहायता करें।